गुड मॉर्निंग बच्चों, शेषेल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय BA पार्ट 5 धंधा के व्यवस्था के स्वरूप भाग नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आज का हमारा पॉइंट है साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण। 1932 के कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाया जा सकता है। पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण न करवाने से बहुत सी हानियां हो सकती हैं, इसलिए पीढ़ी का पंजीकरण करवाया जाता है और करवाना चाहिए। पीढ़ी जिस राज्य में स्थापित हो उस राज्य के रजिस्ट्रार राज्य के नियुक्त पंजीकरण अधिकारी हैं। पंजीकरण करवाने के लिए नियत पत्रक में जरूरी विवरण को भरकर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर करवाकर जरूरी फीस के साथ पत्रक रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। तो यहाँ पर ये समझाया गया है कि पंजीकरण करवाना क्यों जरूरी होता है। पंजीकरण करवाना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण न करवाने से बहुत सी हानियाँ हो सकती हैं, इसीलिए पीढ़ी का पंजीकरण करवाया जाता है। पीढ़ी जिस राज्य में स्थापित हो उस राज्य के रजिस्ट्रार राज्य के नियुक्त पंजीकरण अधिकारी हैं और पंजीकरण करवाने के लिए नियत पत्रक में जरूरी विवरण को भरकर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर करते हैं। पंजीकरण पत्रक में समाविष्ट विवरण, अब कौन कौन से विवरण समाविष्ट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। पहला, पीढ़ी का नाम एवं पता, पीढ़ी की शाखाएं। पहला, पीढ़ी का नाम एवं पता। दूसरा, पीढ़ी की शाखाएं कितनी हैं वो दर्शाना है। तीसरा, साझेदारों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर। चौथा, प्रत्येक साझेदार के प्रवेश की तिथि, जो साझेदार बने तो उसकी प्रवेश की तिथि हमें दर्शानी। पांचवा, साझेदारों का लाभ और हानि का प्रमाण। छठा, साझेदारों की पूंजी संबंधी विवरण। सातवा, पीढ़ी की अवधि। ये सात जानकारी हमें दर्शानी होती है पंजीकरण पत्रक में समाविष्ट। ये विवरण, ये सात जानकारी का विवरण हमें देना पड़ता है। जब पूछा जाए कि पंजीकरण पत्रक में समाविष्ट विवरण कौन कौन सी जानकारी देनी पड़ती है या विवरण देना पड़ता है, तो हमें ये सातों के सात पॉइंट हमें याद रखने हैं। उपयुक्त विवरणों को ध्यान में रखकर रजिस्ट्रार पीढ़ी का पंजीकरण करता है और उसका प्रमाण पत्र देता है। पीढ़ी के पंजीकरण के लाभ, अब यह पंजीकरण करवाने से पीढ़ी को क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में समझाया गया है। पहला, अपने लेनदार के संबंध में पीढ़ी प्राहित व्यक्ति के सामने दावा कर सकती हैं। दूसरा, पीढ़ी का कोई भी साझेदार दूसरे साझेदारों अथवा पीढ़ी के सामने दावा कर सकता है। तीसरा, साझेदार अपने अधिकारों तथा हिस्सों के लिए अदालत से न्याय की मांग कर सकता है। चौथा, निवृत्त होने वाला साझेदार सार्वजनिक जनता को नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है। पांचवा, पीढ़ी के पंजीकरण करने से
सार्वजनिक जनता को पीढ़ी के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। तो कि पीढ़ी के पंजीकरण के लाभ तो कि इस प्रकार दर्शाए गए हैं। आगे वाला पॉइंट, साझेदारी का करार पत्र। साझेदारी एक आपसी अनुबंध से ऊपर होने वाला संबंध है। यह अनुबंध पत्र लिखित अथवा मौखिक भी हो सकता है। अनुबंध पत्र लिखित में हो यह ज़्यादा अच्छा है। लिखित अनुबंध पत्र से साझेदारी की शर्तें स्पष्ट होती हैं। लिखित अनुबंध एक तरह से साझेदारी का संविधान है। साझेदारी का अनुबंध पत्र कानूनी निष्णातों की मदद से तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर ये समझाया गया है कि साझेदारी का जो करार पत्र होता है तो वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, पर लेकिन जो लिखित अनुबंध पत्र हो तो वो ही अच्छा रहता है। आगे, अनुबंध पत्र में समाविष्ट विवरण, कौन कौन से विवरण समाविष्ट किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो अनुबंध पत्र बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से विवरण को समाविष्ट किया जाता है। पहला, पीढ़ी का नाम तथा पता। जो पीढ़ी का नाम है वो और पता। फिर दूसरा, साझेदारों के नाम, कितने साझेदार हैं उसके नाम, पते, उम्र तथा टेलीफोन नंबर। तीसरा पॉइंट, पीढ़ी का उद्देश्य तथा धंधे का प्रकार, के पीढ़ी का उद्देश्य क्या है और धंधे का प्रकार वो दर्शाना पड़ता है। चौथा, पीढ़ी प्रारंभ करने की तारीख तथा अवधि, के पीढ़ी प्रारंभ की है उसकी तारीख और ये पीढ़ी को कहाँ तक चलाना है उसकी अवधि भी तय की है तो वो अवधि भी बतानी है। पांचवा, साझेदारों की पूंजी तथा पूंजी पर ब्याज देना हो तो उस संबंधी सूचनाएं। साझेदारों को कितनी पूंजी और पूंजी पर ब्याज देना उस संबंधी सूचनाएं दर्शानी पड़ती हैं। छठा, साझेदारों को व्यक्तिगत आहरण तथा आहरण की आहरण ब्याज सीमा। सातवां, साझेदार द्वारा पीढ़ी को दिए गए लोन के ब्याज की दर, लोन की ब्याज की दर भी दर्शानी है। आठवां, लाभ हानि के विभाजन का प्रमाण, जो लाभ हुआ है हानि हुई है उसके विभाजन का प्रमाण भी दर्शाना है सभी साझेदारों के लिए। नौवां, साझेदारों के बीच कार्य का विभाजन, साझेदारों के बीच किसको कौन सा काम सौंपा गया है उसका विभाजन भी दर्शाना है। दसवां पॉइंट, साझेदारों को वेतन, कमीशन या अन्य सुविधा संबंधी जानकारी। ग्यारहवां पॉइंट, साझेदार पीढ़ी के हिसाब तथा खाते रखने की व्यवस्था आदि जानकारी दर्शानी है। बारहवां पॉइंट, बैंक में पीढ़ी के खाते खुलवाने तथा उसके लेन देन संबंधी अधिकारी की व्यवस्था। तेरहवां पॉइंट, ख्याति के मूल्यांकन की विधि। चौदहवां पॉइंट, मतभेद तथा झगड़े के निवारण के समय पंच की व्यवस्था। चौदहवां पॉइंट, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। पंद्रहवां पॉइंट, नए साझेदारों का प्रवेश तथा पुराने साझेदार की निवृत्ति संबंधी व्यवस्था। सोलहवां पॉइंट, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य, प्रवेशक साझेदारों के प्रवेश की व्यवस्था
पीढ़ी के विसर्जन समय हिसाब के निपटाने की व्यवस्था आदि।